नमस्कार, मैं आनंद कुमार अंग्रेजी विभाग से अपनी स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ आप सबों के बीच। अच्छा लगे तो साधुवाद चाहूंगा, बुरा लगे तो भी दे सकते हैं, धन्यवाद। आज का कविता पिताजी को समर्पित है, क्योंकि यहाँ पर चाहे जितने भी पुरुष हों, जितने ही महिलाएं हों, माता के ऊपर तो बहुत सारे लिखने वाले मिलते हैं, शायद पिता ही पीछे रह जाते हैं इस भीड़ में। कहना यह है कि तकलीफ तो उनको बहुतों थी, पर कभी नहीं बताया। प्यार तो तुझसे काफी था, पर कभी नहीं जताया। बचपन में तुम जब बीमार पड़ जाते थे, तो गोद में तुझे सुलाया, डर डर की ढोकर खाकर, खुद जाग तुझे सुलाकर, है तुझको बचाया। बातें तो उनको बहुतों थीं, पर कभी नहीं बताया। क्या हक नहीं था उनको, पर कभी नहीं जताया। वो डांटना, फटकारना, वो रूठना, वो मनाना, पल भर का एक नाटक था, पर कभी नहीं बताया। करुणा, करुणा तो उनमें बहुतों हैं, पर पिता है ना, इसलिए झलकता नहीं। आंखों में आंसू बहुतों हैं, पर पिता है ना, इसलिए छलकता नहीं। इनका दिल भी सच्चा मोती है, पर कभी नहीं बताया। प्यार तो तुझसे काफी था, पर कभी नहीं जताया। पहले के पिता पिता होते थे, अब पिता नहीं वो मित्र बन गए। जाने कहां गए वो संस्कार, और लाखों के वो सीख चले गए। पहले के हर सीख में एक डांट होती थी, अब हर डांट में एक सीख होता है। पहले हर मजाक में एक बात होती थी, अब हर बात में ही एक मजाक होता है। खुद टेढ़ी हिंदी बोल बोल, अंग्रेजी तुझे सिखाया। खुद टेढ़ी हिंदी बोल बोल, अंग्रेजी तुझे सिखाया। क्या हक नहीं था उनको, पर कभी नहीं जताया। अब बात बात पे तुम सब जो ओ शट अप डैड चिल्लाते हो, अब बात बात पे तुम सब जो ओ शट अप डैड चिल्लाते हो, अपनी संस्कृति को नीलाम कर खुद को ज्ञानी दर्शाते हो। तेरी भाषा क्या है जिसमें बहती करुणा की धार नहीं, वो गूंज नहीं, वो प्यार नहीं, आक्रोश नहीं, ललकार नहीं। भाषा तो उन देवों की है जो पिता स्वरूप में हमें मिले, उनके आशीष दुआओं से हम आज हैं इतने फूले फले, हम आज हैं इतने फूले फले। धन्यवाद।